কুদেও জো পিএসসি মা হোকে বাবাল দিন রাত পড়না হে মজাবো ধমাল কাও করে লে থসরে টেনশন আরে কাও করে লে থসরে টেনশন জব অফসর বন কে তে কর পে ধমাল ये कैसे होगा सर हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब अच्छे होंगे। कल का हमारा टॉपिक क्या था? छत्तीसगढ़ के पठारी एवं पाट प्रदेश, जिस पर हमने एमसीक्यू के माध्यम से क्या किया था, विस्तृत अध्ययन किया था। उसके संबंध में मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं आपको। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? क्या बताना है आपको? आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है। उसके बाद हम आज का अपना जो टॉपिक है हमारा, छत्तीसगढ़ की मिट्टी, जो आपको पहले ही वीडियो में बता दिया गया था कि हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, छत्तीसगढ़ की मिट्टी, उसके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। बता दिए? बढ़िया, वेरी गुड। अनुसंधान केंद्र कहां है? तो मैनपाट में है। आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर? तो मैनपाट में। आज का हमारा टॉपिक क्या? छत्तीसगढ़ की मिट्टी। छत्तीसगढ़ की मिट्टी के लिए सबसे पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम अपने। छत्तीसगढ़ की मिट्टी, इसके संबंध में क्या दिख रहा है आपको? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि किस विभाग के द्वारा छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार के मिट्टी की पहचान की गई है? क्या बोला जा रहा है? किस विभाग के द्वारा छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार के मिट्टी की पहचान की गई है? क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है? भारतीय कृषि संरक्षण विभाग, दूसरा भारतीय भूमि एवं मृदा संरक्षण विभाग, तीसरा भारतीय वन विभाग और चौथा नीति आयोग। ठीक, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको सही आंसर लगाना है कि किस विभाग के द्वारा क्या किया गया है, छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार के मिट्टी की पहचान की गई है। तो मैं सीधा आंसर इसका बता देता हूं आपको। इसका आंसर है भारतीय भूमि एवं मृदा संरक्षण विभाग। इस क्वेश्चन से दूसरा आपको क्या पता चल रहा है कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टी पाई जा रही है? 5 प्रकार की मिट्टी पाई जा रही है। तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कौन कौन सी वो मिट्टी है जो प्रमुख रूप से पाई जा रही है। जैसा कि आपको पता है, हम क्या करा रहे हैं आपको, एमसीक्यू के माध्यम से ही संपूर्ण सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। उस क्रम में सबसे पहले अब हम देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से 5 प्रकार की मिट्टी है। सबसे पहले अपन एक मैप बना लेते हैं। आप भी अपना नोट्स खोलकर सबसे पहले एक मैप बना लीजिए। तो जो छत्तीसगढ़ है आपका, अब छत्तीसगढ़ हम पढ़ रहे थे कब, अपने को 4-5 क्लासेस हो गई हैं छत्तीसगढ़ पढ़ते हुए, छत्तीसगढ़ की जियोग्राफी पढ़ते हुए। हमने जब नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था तो हम देखे थे कि जो छत्तीसगढ़ है वो कैसे कैसे विभाजित था प्राकृतिक आधार पर। तो एक देखा था हमने कि एक पूर्वी बघेलखंड का पठार था, दूसरा जसपुर सामरी पाट प्रदेश का क्षेत्र था, तीसरा छत्तीसगढ़ के मैदान का क्षेत्र था और चौथा दंडकारण्य के पठार का क्षेत्र था। क्लियर है? अब जो ये प्राकृतिक क्षेत्र हैं, इन प्राकृतिक क्षेत्रों में कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती है प्रमुख रूप से, इस पर हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है, इस पूर्वी बघेलखंड के पठार में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत। कौन सी मिट्टी? तो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। अब मैंने बताया था आपको जब प्राकृतिक विभाजन ही पढ़ रहे थे तो
कि पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत क्या है खनिज मुख्य रूप से, तो हमने देखा था कोयला। कोयले की प्रकृति कैसी? अम्लीय। इसलिए पूर्वी बघेलखंड के पठार में पाए जाने वाली लाल पीली मिट्टी की प्रकृति भी कैसी होगी? अम्लीय होगी। क्लियर है यहां तक? दूसरा, जसपुर सामरी पाट प्रदेश है ना, इस जसपुर सामरी जो पाट प्रदेश का क्षेत्र है, इस पाट प्रदेश वाले क्षेत्र में हमको मिलती है एक मिट्टी जिसका नाम है लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी मिलती है? लेटेराइट मिट्टी मिलती है। उसके बाद फिर से हमने देखा था कि जो छत्तीसगढ़ का मैदान वाला क्षेत्र है, इस छत्तीसगढ़ के मैदान में भी हमको कौन सी मिट्टी मिल रही है, तो लाल पीली रेड येलो सॉइल हमको प्राप्त हो रही थी पूरे छत्तीसगढ़ के मैदान में। क्या? तो लाल पीली मिट्टी का ही क्या है, मुख्य रूप से विस्तार है। लेकिन हमने क्या देखा था कि जो ये पश्चिमी सीमांत मतलब वृष्टि छाया वाला क्षेत्र, इसके अलावा पूर्वी सीमांत, ठीक, इन क्षेत्रों के अंतर्गत कौन सी एक मिट्टी मिल रही थी हमको, तो काली मिट्टी मिल रही थी। ठीक है, कौन सी मिट्टी मिल रही थी? काली मिट्टी मिल रही थी, काली मिट्टी। समझ में आ गया? संपूर्ण छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत कौन सी मिट्टी का विस्तार पूछे तो लाल पीली मिट्टी। किस प्रकृति की? क्षारीय प्रकृति की। क्यों क्षारीय? क्योंकि चूना पत्थर यहां पर पाया जा रहा है, इसलिए यहां पे मिट्टी की प्रकृति भी कैसी, तो क्षारीय है ना। लेकिन पश्चिमी सीमांत मतलब मैकल रेंज वाला क्षेत्र, ठीक है, जिसमें आप देखें तो मुंगेली, कवर्धा, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, बेमेतरा, इन सब जिलों के अंतर्गत कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। साथ ही महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी वाले क्षेत्र के अंतर्गत भी कौन सी मिट्टी? तो काली मिट्टी। समझ में आ गया? इसके बाद जो पूरा बस्तर संभाग है आपका, ठीक है, क्या है आपका, जो पूरा बस्तर संभाग है, इसमें बस्तर संभाग के अंतर्गत एक मिट्टी पाई जाती है संपूर्ण बस्तर संभाग में जो विस्तृत है मुख्य रूप से, वो है आपकी लाल रेतीली मिट्टी। ठीक है, कौन सी मिट्टी? लाल रेतीली मिट्टी। संपूर्ण बस्तर संभाग के अंतर्गत कौन सी मिट्टी? लाल रेतीली मिट्टी। इसके अलावा बस्तर संभाग के ही दो महत्वपूर्ण जिले, एक सुकमा, दूसरा दंतेवाड़ा, यहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यहां पर पाई जाती है लाल दोमट मिट्टी। ठीक है, कौन सी मिट्टी? लाल दोमट मिट्टी। कहां पर पाई जाती है? तो बस्तर संभाग के अंतर्गत सुकमा एवं दंतेवाड़ा जिले में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। क्लियर है यहां तक? सबसे ऊपर देख रहे हैं आप क्या, पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत कौन सी मिट्टी? तो लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत है, उसकी प्रकृति कैसी? अम्लीय। फिर पाट प्रदेश वाले क्षेत्र में कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। और एक चीज ध्यान रखना, ये जो लेटेराइट मिट्टी है, ठीक है, कौन सी मिट्टी आपकी? लेटेराइट जो मिट्टी है, यह मिट्टी जो है ये जगदलपुर के उच्चावत क्षेत्रों में भी पाई जाती है। ठीक है, जगदलपुर उच्चावत क्षेत्र, हाईलैंड ऑफ जगदलपुर में भी क्या है, लेटेराइट मिट्टी का विस्तार है। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। कहां पर पाई जा रही है? तो जगदलपुर के उच्चावत क्षेत्रों में पाई जा रही है, इसके साथ छत्तीसगढ़ के पाट प्रदेश में प्रमुख रूप से पाई जाती है। क्लियर? कौन कौन सी होगी पांच मिट्टी आपके पास? तो एक लाल पीली मिट्टी, उसके अलावा लाल रेतीली मिट्टी, फिर क्या, लाल दोमट मिट्टी, और क्या, काली मिट्टी, और क्या, लेटेराइट मिट्टी। ये क्या हो गई, छत्तीसगढ़ में पांच प्रकार की मिट्टी हो गई। क्लियर है यहां तक? इसके अलावा एक मिश्रित मिट्टी भी है हमारे पास। ठीक है, कौन सी मिट्टी है? तो एक मिश्रित मिट्टी भी है। ठीक, मिश्रित मिट्टी में क्या, तो ये आप देख पा रहे थे क्या कि इस क्षेत्र के अंतर्गत संपूर्ण
कौन सा क्षेत्र आपका, तो छत्तीसगढ़ के मैदान वाला क्षेत्र। उस मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत एक मिट्टी क्या पाई जा रही थी, तो लाल पीली मिट्टी पाई जा रही थी। साथ ही इसी पूर्वी सीमांत वाले क्षेत्रों के अंतर्गत भी कौन सी मिट्टी पाई जा रही थी, तो काली मिट्टी पाई जा रही थी। इन दोनों मिट्टियों के मिश्रण से, लाल पीली एवं काली मिट्टियों के मिश्रण से, जो छत्तीसगढ़ के मैदान का दक्षिणी भाग है और दंडकारण्य के पठार का जो उत्तरी भाग है, यहां पर एक मिट्टी पाई जाती है जिसका नाम है डोरसा मिट्टी। ठीक है, कौन सी मिट्टी, डोरसा मिट्टी। यहां पर कौन सी मिट्टी पाई जा रही है, डोरसा मिट्टी। डोरसा मिट्टी जो है इसका पीएच वैल्यू, जो पीएच मान है वो 7 से अधिक होता है, 7.6 कहीं कहीं पर यह दिया हुआ होता है। लेकिन आपको जानना है कि जो डोरसा मिट्टी है इसकी प्रकृति कैसी है, तो क्षारीय है। ठीक, इसके अलावा ये जो डोरसा मिट्टी है इसकी प्रमुख फसल के रूप में धान है। ठीक है, प्रमुख फसल क्या है इसकी, धान है। अब मैंने क्या बताया आपको, डोरसा मिट्टी किसका किसका मिश्रण, तो लाल पीली, लाल लाल पीली और दूसरा काली मिट्टी का क्या है, मिश्रण है। लाल पीली और काली मिट्टी का क्या है, ये मिश्रण है। कौन सी मिट्टी आपकी, डोरसा मिट्टी। क्लियर है यहां पर। ठीक, अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। ठीक, क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन पढ़िए आप। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी के संबंध में कथनों पर विचार करना है आपको। किसके संबंध में, लाल पीली मिट्टी के संबंध में कथनों पर विचार करना है। क्या क्या कथन दिए हुए हैं, इस मिट्टी में प्रमुख फसल क्या है, धान अलसी तिल ज्वार है। इस मिट्टी में ह्यूमस एवं नाइट्रोजन की कमी होती है। तीसरा, इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को दूर करने यूरिया मिलाया जाता है। चौथा, प्रदेश की 30% खेती इस मिट्टी पर होती है। और पांचवा, इस मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है। आपको सत्य कथन छांटने हैं, चलो जल्दी से सत्य कथन छांटिए आप। छांट लिए कथन आप, ठीक। चलो पहले फिर अब ये जो पांच प्रकार की हमारी मिट्टी पाई जा रही है इसमें क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, इसको पहले हम देख लेते हैं, फिर आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले कि हमारे जो मिट्टी पाई जा रही है उसमें प्रमुख विशेषताएं मिट्टी की क्या क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो है हमारी लाल पीली मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी। ठीक है, कौन सी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। ये जो लाल पीली मिट्टी है ये छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सर्वाधिक, ठीक है, क्या, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सर्वाधिक कितना, तो 50 से 60% तक पाया जाता है। ठीक है, कितने प्रतिशत तक पाया जा रहा है, 50 से 60% तक पाया जा रहा है। कौन सी मिट्टी आपकी, लाल पीली मिट्टी। आप आराम से अनुमान भी लगा सकते हैं, पूरा क्या पूर्वी बघेलखंड का पठार, इसके अलावा पूरा क्या छत्तीसगढ़ का मैदान, सभी में कौन सी मिट्टी का विस्तार है, तो लाल पीली मिट्टी का विस्तार है। टोटल कितने प्रतिशत एरिया में विस्तार हो जा रहा है, तो 50 से 60% एरिया में क्या हो जा रहा है, लाल पीली मिट्टी का विस्तार हो जा रहा है। ये जो लाल पीली मिट्टी है इसका स्थानीय नाम, ठीक है, किसका स्थानीय नाम, लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम है मटासी। ठीक है, स्थानीय नाम क्या है, मटासी है। इसके अलावा ये जो लाल पीली मिट्टी है कौन कौन से क्षेत्र में पाई जा रही है, तो आपको पता है, ध्यान रखना आप, क्या, एक तो पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड प्लस छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक है, कहां कहां पाया जा रहा है, पूर्वी बघेलखंड एवं छत्तीसगढ़ के मैदान में कौन कौन सी मिट्टी पाई जा रही है आपकी, लाल पीली मिट्टी पाई जा रही है। दोनों क्षेत्रों के अंतर्गत कौन कौन से चट्टानों की अधिकता है, तो हमने देखा था पूर्वी बघेलखंड के अंतर्गत गोंडवाना और छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत कौन सा, तो कड़प्पा। ठीक है, ये चट्टाने इस क्षेत्र में पाई जा रही है। साथ ही ये जो लाल पीली मिट्टी है इसकी प्रमुख फसल धान, प्रमुख फसल धान, अलसी और तिल है। ठीक है, कौन कौन सी है प्रमुख फसल, तो धान, अलसी और
तिल है, ठीक है। कौन सी प्रमुख फसल? धान, अलसी, तिल। ये क्या है आपका? लाल पीली मिट्टी, जो कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भागों पर या सर्वाधिक क्षेत्रों पर क्या हो रही है? पाई जा रही है। समझ में आ गया? क्लियर। इसके बाद लाल रेतीली मिट्टी, ठीक। कौन सी मिट्टी? लाल रेतीली मिट्टी, ठीक है। कौन सी मिट्टी? लाल रेतीली मिट्टी। अब ये जो लाल रेतीली मिट्टी है, ये छत्तीसगढ़ के 20 से 25 प्रतिशत क्षेत्र पर पाई जाती है, ठीक। कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पाई जा रही है? 20 से 25 प्रतिशत क्षेत्रों पर लाल रेतीली मिट्टी पाई जा रही है, ठीक। लाल रेतीली जो मिट्टी है, इसका स्थानीय नाम है टिकरा, ठीक है। क्या नाम है इसका? स्थानीय नाम टिकरा। इसके अलावा लाल रेतीली मिट्टी कहां पर पाई जा रही है? तो बस्तर संभाग में पाई जा रही है, ठीक है। कहां पाई जा रही है? बस्तर संभाग में पाई जा रही है, ठीक। इसके अलावा यहां पर चट्टान, क्या चट्टान पूछे आपको? तो आप ध्यान में रखना धारवाड़, ठीक है। कौन सा चट्टान से बनता है ये? तो धारवाड़। धारवाड़ चट्टान के अंतर्गत भी आप ध्यान रखना ग्रेनाइट प्लस नीस, ठीक है। कौन सा? ग्रेनाइट प्लस नीस चट्टानों से क्या होता है? इस लाल रेतीली मिट्टी का निर्माण होता है। और इसकी मुख्य फसल है कोदो कुटकी। लाल रेतीली मिट्टी की मुख्य फसल क्या? तो कोदो कुटकी। अगला है आपका लाल दोमट मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी, तो जो लाल दोमट मिट्टी है, ये छत्तीसगढ़ में 8 से 10 प्रतिशत तक पाई जाती है। कितने प्रतिशत पाई जा रही है? 8 से 10 प्रतिशत तक पाई जा रही है। और जो लाल दोमट मिट्टी है, इसको स्थानीय भाषा में कछार मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कछार मिट्टी कहा जाता है। और कहां पर है इसका विस्तार? तो दंतेवाड़ा प्लस सुकमा जिला, ठीक है। कौन सा जिला? दंतेवाड़ा एवं सुकमा जिले में क्या है इसका विस्तार है, ठीक। इसके लिए भी कौन सा चट्टान? तो धारवाड़ चट्टान। ध्यान क्या रखना है आपको? धारवाड़ चट्टान। लेकिन इसका कायंत्रित रूप में कौन सा? तो नीस प्लस डायोराइट, ठीक है। क्या? नीस प्लस डायोराइट। ये क्या? नीस एवं डायोराइट चट्टानों से मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी बन रही है? तो लाल पीली मिट्टी, सॉरी लाल दोमट मिट्टी बन रही है। और इसमें मुख्य फसल है जूट एवं पटसन। जूट और पटसन, ठीक। ये क्या है? इसकी मुख्य फसल है। इसके बाद है अगला आपका काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। काली मिट्टी छत्तीसगढ़ में 5 से 8 प्रतिशत तक पाई जाती है, ठीक। कितने प्रतिशत तक पाई जा रही है? 5 से 8 प्रतिशत तक क्या मिट्टी पाई जा रही है आपकी? काली मिट्टी पाई जा रही है। काली मिट्टी का स्थानीय नाम है कन्हार, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको? कन्हार मिट्टी कहा जाता है। क्षेत्र क्या क्या है इसका? तो हमको पता है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत वृष्टि छाया क्षेत्र प्लस पूर्वी सीमांत उच्च भूमि। इसके अलावा घाटी क्षेत्रों के अंतर्गत, जैसे चिल्फी घाटी, हसदेव नदी घाटी क्षेत्रों के अंतर्गत भी काली मिट्टी का विस्तार है, ठीक है। चट्टान क्या? तो लावा युक्त बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से, बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से क्या होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। और काली मिट्टी जो है, ये छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, द्विफसली मिट्टी है, जिसमें मुख्य रूप से कपास, गन्ना एवं चना, कपास, गन्ना एवं चना की खेती की जाती है। इसके अलावा है लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी आपका 3 से 5 प्रतिशत तक पाया जाता है। और लेटेराइट मिट्टी का जो स्थानीय नाम है वो है मुरुम,
या भाटा मिट्टी, ठीक है, क्या कहा जाता है, मुरूम या भाटा मिट्टी इसको कहा जाता है। कहां पर पाया जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पाट प्रदेश प्लस जगदलपुर उच्चावच में, जगदलपुर उच्चावच मतलब हाईलैंड ऑफ जगदलपुर, कहां पर, पाट प्रदेश और जगदलपुर उच्चावच मतलब जगदलपुर हाईलैंड में क्या है, जो आपकी लेटराइट मिट्टी है वो पाई जा रही है। और ये जो मिट्टी है ये निक्षालन की प्रक्रिया द्वारा बनती है, लीचिंग प्रोसेस से, निक्षालन प्रक्रिया के द्वारा। और इस मिट्टी के अंतर्गत जो प्रमुख फसल है वो है बागानी फसल, ठीक है, प्रमुख फसल क्या है, तो बागानी फसल है। क्लियर, समझ में आ जा रहा है, ठीक है। निक्षालन, अब निक्षालन क्या होता है, तो जो पाट प्रदेश है उसके अंतर्गत जब भारी वर्षा होती है तो भारी वर्षा के कारण जो मिट्टी है उसका ऊपरी परत क्या हो जाता है, बह जाता है, जिससे उस मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता रहती है क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, निक्षालन प्रक्रिया कहलाती है। क्लियर, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्या करना था अपने को, छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी के संबंध में कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। आंसर लगा लिए आप, ठीक है, क्या लगाएं आंसर, चलो जल्दी से पहले आंसर बताओ फिर मैं बताता हूं। लगा लिए आंसर, देखिए क्या बोल रहे हैं, इस मिट्टी की प्रमुख फसल धान, अलसी, तिल, ज्वार है, बिल्कुल सही है ये। इस मिट्टी की प्रमुख फसल क्या है, तो धान, अलसी, तिल, ज्वार है, ठीक। इस मिट्टी में ह्यूमस एवं नाइट्रोजन की कमी होती है, बिल्कुल सत्य है। भारत में पाई जाने वाली मैक्सिमम मिट्टियों में क्या है, ह्यूमस एवं नाइट्रोजन की कमी होती है। दूसरा ये हो गया, ये भी आपका ऑप्शन क्या है, सही है, इस मिट्टी में क्या है, ह्यूमस एवं नाइट्रोजन की कमी है। तीसरा क्या बोल रहा है, इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को दूर करने यूरिया मिलाया जाता है, ठीक है, मतलब मिट्टी के अंतर्गत जो नाइट्रोजन की कमी है उसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है, यूरिया मिलाया जाता है। बिल्कुल सही बात है कि अगर किसी भी मिट्टी के में अपने को क्या करना है, नाइट्रोजन की कमी को दूर करना है, तो अपन क्या करते हैं, उसमें यूरिया मिलाते हैं, ठीक है, क्या मिलाते हैं, यूरिया मिलाते हैं। अब ये यूरिया क्यों मिलाते हैं, तो यूरिया में 46% तक क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, 46% तक क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। और ये जो यूरिया है, यूरिया इसकी सर्वप्रथम खोज, यूरिया की सर्वप्रथम खोज हिलेरी हिलेरी राउले हिलेरी रावले ने की थी, ठीक है। यूरिया की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, हिलेरी रावले ने की थी। हिलेरी रावले एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे, ठीक है, कौन से वैज्ञानिक थे, एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे। और इन्होंने 1773 में, कब, 1773 में क्या किया था, मूत्र में, ठीक है, यूरिन में क्या किया था, यूरिया की खोज की थी, ठीक है, किसमें की थी, यूरिन में यूरिया की खोज की थी। क्लियर है यहां तक, हिलेरी रावले जो कि एक फ्रेंच वैज्ञानिक है जिन्होंने 1773 के अंतर्गत यूरिन में क्या किया था, यूरिया की खोज किया था। लेकिन ये जो यूरिया है इसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में, ठीक है, मतलब लैब में किसने बनाया, बोले आपको, तो लैब में इसको बनाया था वोहलर ने, ठीक है, किसने बनाया था, वोहलर ने। वोहलर एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने यूरिया सबसे पहले कहां पर बनाया था, लैब में बनाया था, ठीक। तो मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को दूर करने यूरिया मिलाया जाता है, यह भी कथन क्या है, बिल्कुल सही है, यूरिया क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। अगला लाल पीली मिट्टी के बारे में कौन सा कथन बोला जा रहा है, प्रदेश की 30% खेती इसी मिट्टी पर होती है, बिल्कुल यह कथन भी सही है कि प्रदेश की जो 30% खेती है वो इसी मिट्टी पर होती है। छत्तीसगढ़ की जो सर्वाधिक कृषि है वो कौन सी मिट्टी पर हो रही है, तो इसी लाल पीली मिट्टी पर हो रही है। इसके अलावा इस मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है, तो इस मिट्टी की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है, हम देखे हैं, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी सत्य है, ठीक। अगर ये जो दिया गया है ऑप्शन आपको, इस मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है ना, इसमें सिर्फ बोल दिया जाता कि इस मिट्टी की प्रकृति सिर्फ और सिर्फ अम्लीय होती है, तब क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता। लेकिन यहां पर क्या बोला जाता है, इस मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है, मतलब हां अम्लीय तो होती है, साथ में क्षारीय भी होती है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर बोल देता केवल अम्लीय होती है, क्षारीय नहीं होती है, तब क्या हो जाता है, ये जो ऑप्शन है वो क्या हो जाता, गलत हो जाता। अभी आप क्या देख पा रहे हैं कि जो पांचों ऑप्शन है लाल पीली मिट्टी के संबंध में ये क्या है, सत्य है। क्लियर हो गया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, मटासी मिट्टी के बारे में
कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, किसके बारे में जानना है आपको? मटासी मिट्टी। अब मटासी किसका स्थानीय नाम है? तो लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम है, अभी आपने पढ़ा था। मटासी किसका नाम? तो लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम है। मटासी किस मिट्टी का नाम है? तो लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम है। अब क्या कहा जा रहा है? कौन सा जो कथन है वह सत्य नहीं है। कौन सा कथन जो है वह सत्य नहीं है, तो मतलब क्या छांटना है आपने को? असत्य छांटना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन ही बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जब तक आप क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझेंगे, तब तक आप क्या नहीं कर सकते? कभी भी सही आंसर नहीं लगा सकते। कभी भी आपको क्वेश्चन पढ़ने में हड़बड़ी नहीं करनी है। आप भले क्या करें, बाद में हड़बड़ाएं, लेकिन क्वेश्चन पढ़ते समय तक क्या करना है आपको? अपने दिमाग को रिलैक्स रखना है, शांत रखना है। क्वेश्चन को आप दो बार पढ़ें, और अगर कहा जा रहा है ये सत्य और असत्य, जैसे कि मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, जिसमें मुझे सभी लोगों के नाम तो याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से एक अंजलि, दीपांजलि, गायत्री, आंचल, संकेत, सुनील, ऐसे और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बोल रहे थे कि सत्य और असत्य में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो सत्य और असत्य में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। आप सबसे पहले क्या कर लेना है, आपको क्या बोला जा रहा है सत्य है कि सत्य नहीं है, तो आप इसको क्या कर ले, अंडर मार्क कर ले, ठीक है, अंडरलाइन कर ले, और सत्य नहीं है बोल रहा है मतलब ध्यान दे दे सीधा क्या कि अपने को असत्य कथन छानना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इन ऑप्शनों को पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपके माइंड में क्या रहेगा, डायरेक्ट क्लियर रहेगा कि मुझे कौन से कथन छानने हैं, असत्य कथन छानने हैं, ना कि कौन से कथन सत्य नहीं है। आप यहां पे सत्य छांटना है कि सत्य नहीं छांटना है, उसमें कंफ्यूज होते रहेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर आप पहले अपने माइंड में क्लियर करेंगे कि आपको सत्य कथन छांटने हैं कि आपको असत्य कथन छांटने हैं। क्लियर है? ठीक। क्या कहा जा रहा है, यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाया जाता है। क्या कहा जा रहा है, यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाया जाता है। दूसरा क्या बोल रहे हैं, इस मिट्टी में लोहे एवं रेत की मात्रा अधिक होती है। तीसरा क्या बोल रहे हैं, यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है। और चौथा बोल रहा है, सभी सत्य है। अपने को क्या देखना है, सत्य नहीं है मतलब कौन सा कथन असत्य है जानना है। चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है, क्या सभी कथन सत्य है या इनमें से कोई एक कथन जो है वो क्या है, असत्य है। तो अब ध्यान दे आप, भाटा मिट्टी किसको बोल रहे थे हम, ठीक, भाटा किसका स्थानीय नाम, तो आपने देखा था कि जो भाटा या मुरुम है ये लेटेराइट मिट्टी का क्या है, स्थानीय नाम है। ठीक है, भाटा और मुरुम क्या है, लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम है। और कन्हार किसका नाम है, तो ये है आपका काली मिट्टी का स्थानीय नाम। ठीक है, किसका नाम है, काली मिट्टी का स्थानीय नाम है। ठीक है, यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी मतलब लेटेराइट मिट्टी की अपेक्षा क्या बोल रहा है, अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाया जा रहा है। यही ऑप्शन क्या है आपका, गलत है। लाल पीली जो मिट्टी है ये भाटा या लेटेराइट मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक है, भाटा या लेटेराइट मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाया जाता है, और साथ ही कन्हार मिट्टी की अपेक्षा ये क्या होता है, अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। यहीं पे क्या कर दिया है, ऑप्शन में आपके साथ खेला हो गया है। ठीक है, क्या हो गया है, ऑप्शन में आपके साथ खेल हो गया है। समझ रहे हो बात को, ये क्या है, भाटा मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर एवं काली मिट्टी की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर क्या हो रहा है, पाया जा रहा है। यही ऑप्शन क्या हो जा रहा है आपका, गलत हो जा रहा है। तो आपका सही हो क्या हो जाएगा, आंसर ए। क्लियर है, समझ में आ गया बात। पाट प्रदेश सबसे ऊंची क्षेत्र है, ठीक है, तो वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जा रही है, लेटेराइट मिट्टी पाई जा रही है। और लेटेराइट मिट्टी के नीचे क्या है आपका, तो लेटेराइट मिट्टी के नीचे आपका है क्या, लाल पीली मिट्टी। और लाल पीली मिट्टी पूरी बघेलखंड के पठार से मैदान तक पाया जा रहा है, और मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत ही जो पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र है वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जा रही है, तो काली मिट्टी पाई जा रही है। तो काली मिट्टी की अपेक्षा जो लाल पीली मिट्टी है क्या है, अधिक ऊंचाई पर है। और लेटेराइट मिट्टी की अपेक्षा ये जो लाल पीली मिट्टी है ये क्या है, कम ऊंचाई पर है। इसी चीज को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित मिट्टियों के स्थानीय नाम में से कौन सा सही नहीं है। अभी हमने पढ़ा था कि किस किस मिट्टी को कौन कौन से स्थानीय नाम से जाना जा रहा है, तो इसको तो आप आराम से बना लेंगे। चलो जल्दी से लगाओ आंसर अपना। क्या बोल रहा है, पहला लाल पीली मिट्टी मटासी, बिल्कुल सही है। अभी हमने देखा था लाल पीली मिट्टी क्या है, मटासी सही नाम है इसका। काली मिट्टी कन्हार, ये भी सही है, काली मिट्टी को क्या बोल जा रहा है, कन्हार बोला जा रहा है। तीसरा क्या बोल रहा है, काली एवं पीली मिट्टी का मिश्रण,
काली एवं पीली मिट्टी का मिश्रण क्या कहला रहा था? तो अपने को पता है कि इसका जो मिश्रण है ये डोरसा मिट्टी कहला रहा था। ठीक है, क्या कहला रहा था? डोरसा मिट्टी कहला रहा था। और काली और पीली मिट्टी के मिश्रण को कछार मिट्टी नहीं कहते। कछार किसको बोलते हैं हम? तो कछार बोलते हैं लाल दोमट मिट्टी को। लाल दोमट मिट्टी को क्या बोलते हैं हम? कछारी मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, और लेटराइट मिट्टी भाटा। तो आपका क्या छांटना है इसमें, कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है? छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित मिट्टियों के स्थानीय नाम में से कौन सा सही नहीं है बोल रहे हैं, है ना? सही नहीं है मतलब गलत कथन छांटना है, तो गलत क्या है आपका? सी। क्लियर है यहां तक? गलत कथन कौन सा है? सी है। अगला क्वेश्चन हमारा, ठीक है, अगला क्वेश्चन किससे संबंधित है? तो काली मिट्टी से संबंधित है। कौन सी मिट्टी से संबंधित है? काली मिट्टी से संबंधित है। क्या बोल रहा है? काली मिट्टी के संबंध में कथनों पर विचार करना है आपको। ठीक है, कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। क्या बोल रहा है? यह मिट्टी मैदानी एवं घाटी क्षेत्र, चिल्फी घाटी, हसदेव नदी घाटी क्षेत्र में विस्तृत है। मैदानी एवं घाटी क्षेत्र में विस्तृत है। दूसरा क्या बोल रहा है? इस मिट्टी में लोहा, चूना, फास्फोरस, एल्यूमिनियम खनिज पाए जाते हैं। तीसरा बोल रहा है, यह मिट्टी 5 फीट की गहराई तक पाई जा रही है। चौथा बोल रहा है, इस मिट्टी में जल धारण क्षमता कम होती है। अब अपने को क्या जानना है यहां पर? असत्य कथन जानने हैं। अब यहां पर आपके दिमाग में डायरेक्ट रहेगा कि कौन सा कथन है? असत्य कथन है, है ना? असत्य कथन अपने को इनमें से क्या करना है? छांट कर निकालना है। तो देखिए कि कौन सा कथन यहां पर असत्य होगा। पहला क्या बोल रहा है? यह मिट्टी मैदानी एवं घाटी क्षेत्र में पाया जा रहा है, चिल्फी घाटी, हसदेव नदी घाटी। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि हाँ, ये जो मिट्टी है ये मैदानी एवं घाटी क्षेत्र में क्या है? पाया जा रहा है। ठीक, तो ये कथन तो क्या हो जा रहा है? सही हो जा रहा है। दूसरा बोल रहा है, इस मिट्टी में लोहा, चूना, फास्फोरस, एल्यूमिनियम खनिज पाए जाते हैं। यह कथन भी बिल्कुल सही है, जो काली मिट्टी है इसमें लोहा, चूना, फास्फोरस और एल्यूमिनियम खनिज पाए जाते हैं। तीसरा क्या बोल रहे हैं? यह मिट्टी 5 फीट की गहराई तक पाई जाती है। यह कथन भी बिल्कुल सही है, जो काली मिट्टी है यह काली मिट्टी जमीन के अंदर 5 फीट की गहराई तक पाई जाती है, उसके बाद फिर काली मिट्टी नहीं पाई जाती। चौथा, इस मिट्टी में जल धारण क्षमता कम है। गलत। सबसे ज्यादा जल धारण क्षमता अगर किसी मिट्टी में है वो, तो वो किस में है? काली मिट्टी में है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन क्या हो जा रहा है आपका? असत्य है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी है ना। डी में क्या है? केवल 4 असत्य है। ठीक है, समझ में आ गया काली मिट्टी के बारे में। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। काली मिट्टी के संबंध में असत्य कथन छांटिए। ठीक है, क्या करना है आपको? काली मिट्टी के संबंध में असत्य कथन छांटना है। ठीक है, छांटिए जल्दी। क्या बोल रहा है पहला? यह मिट्टी वर्टिसाल मृदा वर्ग में आती है। दूसरा क्या बोल रहा है? इस मिट्टी की प्रकृति क्षारीय नहीं होती है। तीसरा क्या बोल रहा है? इस मिट्टी का निर्माण ऑक्सीकरण से होता है। चौथा बोल रहा है, इस मिट्टी का रंग गहरा काला या भूरा काला होता है। और पांचवा क्या बोल रहा है? इसे रेगूर, कपासी, चीका, भर्री के नाम से भी जाना जाता है। अपने को क्या करना है यहां पर? असत्य कथनों को छांटना है। यहां पर 2 और 3 ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है, वो 4 हो गया था, 4 ऊपर है। तो अब इसमें से आप क्या कीजिए? असत्य कथन छांटिए, फिर अपन आगे पढ़ते हैं। छांट लिए। चलो, इसमें एक नया चीज आप देख रहे हैं, मृदा वर्ग, वर्टिसॉल मृदा वर्ग। तो सबसे पहले इन मृदा वर्गों के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो कौन कौन सी मिट्टी है वो कौन कौन से मृदा वर्ग में आती है। तो ध्यान में देना आप, एक मृदा वर्ग है इंसेप्टिसॉल, इंसेप्टिसॉल। ठीक है, इंसेप्टिसॉल मृदा वर्ग में लाल पीली मिट्टी आती है। ठीक है, कौन सी मिट्टी आती है? लाल पीली मिट्टी। ठीक, कौन सी मिट्टी इंसेप्टिसॉल मृदा वर्ग में? लाल पीली मिट्टी। और लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम आपको पता है? मटासी। लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? मटासी है। दूसरा मृदा वर्ग है अल्फीसॉल। दूसरा मृदा वर्ग क्या? अल्फीसॉल। अल्फीसॉल दूसरा मृदा वर्ग क्या है आपका? अल्फीसॉल है। और अल्फीसॉल मृदा वर्ग में लाल रेतीली मिट्टी आती है। ठीक, कौन सी मिट्टी आती है? तो लाल रेतीली मिट्टी आती है। किसमें?
तो अल्फी सॉल मृदा वर्ग में। लाल रेतीली का स्थानीय नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला है और अल्फी सॉल मृदा वर्ग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की एक मिट्टी और आती है, अल्फी सॉल मृदा वर्ग, इसके अंतर्गत लाल दोमट मिट्टी भी आती है। ठीक है, कौन सी मिट्टी आती है? लाल दोमट मिट्टी आती है। लाल दोमट मिट्टी का भी स्थानीय नाम आप जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, कहां बताएंगे आप? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक, अगला है वर्टिसॉल। वर्टिसॉल, वर्टिसॉल मृदा वर्ग के अंतर्गत काली मिट्टी आती है। काली मिट्टी का भी आप क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में स्थानीय नाम बताएंगे। और चौथा, इसके अलावा पांचवा है आपका अल्टीसॉल। क्या है आपका? अल्टीसॉल। अल्टीसॉल, अल्टीसॉल मृदा वर्ग के अंतर्गत लेटेराइट मिट्टी आती है। ठीक है, कौन सी मिट्टी आती है? लेटेराइट मिट्टी आती है। और लेटेराइट मिट्टी का भी क्या करेंगे आप? कमेंट सेक्शन के अंतर्गत स्थानीय नाम बताएंगे। क्लियर है? बता रहे हैं सब, सभी को आंसर देना है। ठीक है, कि लाल रेतीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है, लाल दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है ना, काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है, और लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है। ठीक, बता दिए सब? बढ़िया, सब बताइए जल्दी। वेरी गुड। ठीक, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? काली मिट्टी के संबंध में असत्य कथन छांटिए। पहला क्या बोल रहा है? यह मिट्टी वर्टिसॉल मृदा वर्ग में आता है। बिल्कुल सही, अभी देखा हमने, वर्टिसॉल मृदा वर्ग में आता है। इस मिट्टी की प्रकृति क्षारीय नहीं होती है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? इस मिट्टी की प्रकृति क्षारीय नहीं होती है। तीसरा क्या बोल रहा है? इस मिट्टी का निर्माण ऑक्सीकरण से होता है। चौथा क्या बोल रहा है? इस मिट्टी का रंग गहरा काला या भूरा काला होता है। और पांचवा क्या बोल रहा है? इसे रेगुर, कपासी, चीका, भर्री के नाम से जाना जाता है। ठीक, यहां पर क्षारीय और अम्लीय आ रहा है, तो सबसे पहले इन क्षारीय और अम्लीय मिट्टियों के संबंध में क्या कर लेते हैं, हम एक बार और थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो मिट्टी की गुणवत्ता है, मिट्टी की गुणवत्ता, इस मिट्टी की गुणवत्ता हम मापते किससे हैं? तो हम मापते हैं पीएच स्केल से। ठीक है, किससे मापते हैं? पीएच स्केल से मापते हैं। ठीक है, और एक जो आइडियल सॉइल है, जो एक आदर्श मिट्टी होनी चाहिए, उसका पीएच 6 से 7.5 पीएच के मध्य होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए? 6 से 7.5 पीएच के मध्य होना चाहिए। जो एक आदर्श मिट्टी है, जो एक सही मिट्टी है खेती के लिए, है ना, उसकी पीएच वैल्यू कितनी से कितनी होनी चाहिए? तो उसकी पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 6 से लेकर 7.5 पीएच स्केल तक होनी चाहिए। ठीक है, अब इस पीएच वैल्यू के आधार पर जिस मिट्टी का पीएच वैल्यू 7 से कम है, ठीक है, 7 से कम, less than 7, ठीक है, वो मिट्टी क्या होती है? अम्लीय होती है। ठीक है, जिस मिट्टी का पीएच 7 से कम होता है, उस मिट्टी का पीएच, सॉरी, जिस मिट्टी का पीएच 7 से कम होता है, वह मिट्टी कैसी होती है? अम्लीय होती है। और जिस मिट्टी का पीएच 7 से अधिक होता है, जिस मिट्टी का पीएच 7 से अधिक होता है, वह मिट्टी कैसी होती है? तो क्षारीय प्रकृति की होती है। ठीक है, कौन सी प्रकृति की होती है? तो क्षारीय प्रकृति की होती है। अब ये जो अम्लीय प्रकृति की मिट्टी रहती है, ठीक है, जिन मिट्टियों की प्रकृति क्या है? अम्लीय है, उनकी वो मिट्टी भुरभुरी होती है। ठीक है, कैसी होती है? भुरभुरी होती है। भुरभुरी मतलब समझ गए कि नहीं समझे? रेत भुरभुरा होता है, मुट्ठी में पकड़ो वो क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा। वैसी भुरभुरी मिट्टी भी होती है। ठीक है, वो मिट्टी को जैसे आप पकड़ेंगे क्या होने लगता है? गिरने लगता है, रुकता नहीं है। और दूसरा, जो मिट्टी क्षारीय होती है वो होती है चिपचिपी। ठीक है, कैसी होती है? चिपचिपी। अब इसका सबसे अच्छा, जैसे कि आपको एग्जाम्पल समझना है भुरभुरी और चिपचिपी, तो गांव वाले एरिया के अंतर्गत जब बारिश होता है ना, तो दो प्रकार के गांव मान के चलो, एक भाटा गांव है और दूसरा कन्हार मिट्टी वाला गांव है। तो जैसे बारिश के बाद आप कन्हार मिट्टी वाले गांव में जाएंगे,
है ना, और बढ़िया से आप करिए, चप्पल पर पहन के चले जाइए, तो वो जो कन्हार मिट्टी रहती है क्या रहती है, एकदम चिपचिपी रहती है। तो जैसे ही आप उस मिट्टी पर चलेंगे तो क्या हो जाता है, आपके चप्पल के अंतर्गत इतना बड़ा बड़ा लाटा पकड़ लेता है, ठीक है, पकड़ लेता है आपका चप्पल भी, क्या हो जाता है ऑटोमेटिक एक दो फुट का तो आपका चप्पल ही हो जाता है। लेकिन वहीं अगर आप भाटा मिट्टी के अंतर्गत जाते हैं तो वहां पर कितना भी बारिश हो जाए वो सीमेंट जैसा क्या रहता है, कड़ा रहता है, वहां पर किसी प्रकार से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो जिन मिट्टी का पीएच क्या है 7 से कम है वो क्या होती है, अम्लीय होती है। अम्लीय मिट्टी की प्रकृति कैसी रहती है, भुरभुरी। अब जिन मिट्टियों के अंतर्गत जो मिट्टी भुरभुरी है उसमें आप ध्यान रखना कि इसमें जल धारण क्षमता क्या होती है, कम होती है। जल धारण क्षमता कम होती है, जल धारण क्षमता कम है ना, जल धारण क्षमता कम। जल धारण क्षमता कम है मतलब इस मिट्टी के अंतर्गत नमी भी क्या होगी, कम होगी, है ना। जल धारण क्षमता कम है मतलब नमी भी क्या होगी, कम होगी। जो मिट्टी कम समय के लिए जल को धारण करके रखेगी, है ना, जल्दी सूख जाएगी, उसकी नमी भी क्या होगी, जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। अब नमी कम है मतलब इस मिट्टी के अंतर्गत क्या चाहिए अपने को, पानी अधिक चाहिए, है ना। पानी की जो आवश्यकता है या पानी का जो नीड है यहां पर अधिक होता है ना। इसलिए ऐसी मिट्टियों पर खरीफ की फसलें की जाती है, ठीक है। कौन सी फसलें की जाती है, खरीफ फसलें की जाती है, किस ऋतु में, तो वर्षा ऋतु में। खरीफ फसलें कौन से ऋतु में होती है, तो वर्षा ऋतु में होती है। अब जो मिट्टी चिपचिपी है, चिपचिपी मिट्टी के अंतर्गत जो जल धारण क्षमता रहती है वो क्या होती है, अधिक होती है। चिपचिपी मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है, चिपचिपी मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक। जल धारण क्षमता अधिक तो आप पाएंगे कि जो मिट्टी ज्यादा समय तक जल को अपने में धारण करके रखेगी उसमें नमी भी क्या होगी, ज्यादा समय तक होगी, मतलब नमी क्या होगी यहां पर, अधिक होगी। नमी अधिक है मतलब पानी का नीड क्या है, कम है। पानी का नीड क्या है यहां पे, कम है, है ना। पानी का नीड कम है, कम पानी में भी अपन फसल ले सकते हैं, तो कैसी फसल लेंगे, तो रबी की फसल लेंगे, ठीक है। कौन सी फसल लेंगे, रबी की फसल लेंगे। और रबी की फसल कौन से मौसम में होता है, तो आपको पता है शीत ऋतु में। क्लियर है। मिट्टी की गुणवत्ता किसे माप रहे हैं, पीएच स्केल से। पीएच स्केल के अंतर्गत क्या बना गया है कि जो इस मिट्टी की पीएच वैल्यू 6 से 7.5 होगी वह क्या होगी, एक आदर्श मिट्टी होगी, खेती के लिए क्या होगी, अत्यधिक उपजाऊ और अच्छी होगी। अगर किसी मिट्टी का पीएच क्या है 7 से कम है तो वो मिट्टी कैसी होगी, अम्लीय होगी। अम्लीय है तो मिट्टी कैसी होगी, भुरभुरी होगी। भुरभुरी मतलब जल धारण क्षमता क्या, कम। जल धारण क्षमता कम तो नमी भी क्या होगी, कम। नमी कम तो पानी की मात्रा, मतलब पानी की आवश्यकता क्या चाहिए अपने को, अधिक होगी। अब पानी की आवश्यकता अधिक होगी तो इसमें हम कैसी फसलें लेंगे, तो खरीफ की फसलें लेंगे। खरीफ की फसल किस ऋतु में होती है, तो वर्षा ऋतु में होती है। जिस मिट्टी की पीएच वैल्यू 7 से अधिक वह मिट्टी क्या, क्षारीय। क्षारीय है तो चिपचिपी, चिपचिपी तो जल धारण क्षमता अधिक। जल धारण क्षमता अधिक तो नमी भी क्या होगी, अधिक समय तक बनी रहेगी। नमी अधिक समय तक बनी है तो पानी के नीड क्या होगा, पानी की आवश्यकता क्या होगा, कम होगा। पानी की आवश्यकता कम है तो कैसी फसलें लेंगे हम, शीत ऋतु के अंतर्गत जो रबी की फसलें होती है वैसी फसल हम लेंगे। समझ में आ गया। अब इसको देखते हैं, ये क्या बोला जा रहा है, इस मिट्टी की प्रकृति क्षारीय नहीं होती है, तो काली मिट्टी जो है इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। वहां पर लिखना भूल गया मैं, एक आप देख लेना कि जो छत्तीसगढ़ की मिट्टी है इन मिट्टियों में अम्लीय मिट्टी, तो अम्लीय मिट्टी के अंतर्गत लाल पीली मिट्टी है, लाल दोमट है और लाल रेतीली, ये छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पाई जाने वाली अम्लीय मिट्टी है। क्षारीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी के अंतर्गत लाल पीली मिट्टी आती है,
है ना, लाल पीली मिट्टी तो कहाँ की, मैदानी क्षेत्र की। अम्लीय में कहाँ की, तो पूर्वी बघेलखंड के पठार की। कई बार बता चुका हूं और बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या, काली मिट्टी, और तीसरा क्या, लेटेराइट मिट्टी। ये सारी क्या है, क्षारीय मिट्टी है, क्लियर है। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन को, क्या बोला जा रहा है, इस मिट्टी की प्रकृति क्षारीय नहीं होती, तो इस मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है। कि अपने को क्या छांटना है, असत्य कथन छांटना है, तो ये मिट्टी क्या है, बिल्कुल असत्य, ठीक है। ये जो कथन है दूसरे नंबर का क्या है, बिल्कुल असत्य है। तीसरा क्या बोल रहा है, इस मिट्टी का निर्माण ऑक्सीकरण से होता है, नहीं, इस मिट्टी का निर्माण ऑक्सीकरण से नहीं होता है, इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा युक्त जो बेसाल्ट चट्टान होते हैं, उन लावा युक्त बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से होता है, ऑक्सीकरण से नहीं होता है, ठीक। चौथा क्या बोल रहा है, इस मिट्टी का रंग गहरा काला या भूरा काला होता है, यह बिल्कुल सही है, टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट या फेरस टाइटेनियम के कारण क्या होता है, इस मिट्टी का रंग गहरा काला या भूरा काला होता है। पांचवा क्या बोल रहा है, इसे रेगूर कपासी चीका भर्री के नाम से जाना जाता है, यह भी बिल्कुल सही है, इसे रेगूर भी कहा जाता है, कपासी भी कहा जाता है, कपास की फसल अधिक होने के कारण, चीका भी कहा जाता है मिट्टी की मात्रा अधिक होती करके, और साथ ही इसको भर्री भी कहा जाता है, ठीक। तो क्या पूछ रहा है आपको, असत्य कथन पूछ रहा है, तो कौन कौन से असत्य हो जा रहे हैं, ये दूसरा कथन असत्य हो जा रहा है, और तीसरा कथन क्या हो जा रहा है, असत्य हो जा रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मृदा वर्ग एवं मिट्टी के स्थानीय नाम में क्या सुमेलित नहीं है, अभी जस्ट बताया है मैंने आपको, ठीक है, इसका आंसर तो आप आराम से दे पाएंगे। पहला क्या बोल रहा है, इंसेप्टिसॉल मटासी, दूसरा क्या बोल रहा है, अल्फिसॉल टिकरा, तीसरा क्या बोल रहा है, अल्टीसॉल कछार, और चौथा क्या बोल रहा है, वर्टिसॉल काली मिट्टी। क्लियर है, यहां पर काली मिट्टी डायरेक्ट दे दिया, ठीक है, यहां पर मैं कन्हार भी लिख देता हूं, हालांकि अब आपको पता तो है ही, है ना, आंसर भी आप बिल्कुल बता ही देंगे, बता भी दिए, ठीक। तो सात का आंसर क्या हो जाएगा, इंसेप्टिसॉल देखा था हमने कि लाल पीली मिट्टी है, और लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या, तो मटासी। अल्फिसॉल में भी देखा था टिकरा, टिकरा किसका, तो लाल रेतीली मिट्टी, और अल्टीसॉल कछार, कछार किसका है, लाल दोमट मिट्टी। तो मैंने बताया था कि अल्फिसॉल मृदा वर्ग के अंतर्गत ही क्या रहा है आपका, लाल दोमट मिट्टी भी आ रहा है। ये जो अल्टीसॉल है इसके अंतर्गत कौन सी मिट्टी आ रही थी, तो भाटा या मुरुम मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी आ रही थी, ठीक है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, आपका सी आंसर होगा, अल्टीसॉल और कछार ये सुमेलित नहीं है, ठीक। चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। लाल रेतीली मिट्टी के संबंध में कथनों पर विचार करना है आपको, ठीक है, क्या करना है, लाल रेतीली मिट्टी के संबंध में कथनों पर विचार करना है। पहला क्या बोल रहा है, मिट्टी का लाल रंग आयरन के ऑक्साइड के कारण होता है। दूसरा बोल रहा है, बालोद के दक्षिणी हिस्से में इस मिट्टी का विस्तार है। तीसरा बोल रहा है, यह राज्य की दूसरी सबसे बड़ी मिट्टी है। चौथा क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन ह्यूमस की अधिकता के कारण मिट्टी कम उपजाऊ है, और राज्य के 30-35% भाग पर इस मिट्टी का विस्तार है। जानना क्या है अपने को, सत्य कथन जानना है, ठीक है, क्या जानना है, सत्य कथन जानना है। चलो लगाइए आंसर, आप लगा लिए तो देखते हैं। मिट्टी का लाल रंग आयरन के ऑक्साइड के कारण होता है, बिल्कुल सही है। फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, बताइए फेरस ऑक्साइड के कारण मिट्टी का रंग क्या होता है, और फेरिक ऑक्साइड के कारण मिट्टी का रंग क्या होता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे। दूसरा, बालोद के दक्षिणी हिस्से में इस मिट्टी का विस्तार है, यह बिल्कुल सही है। जो लाल रेतीली मिट्टी है वो बालोद के दक्षिणी हिस्से में भी क्या है, पाई जाती है। हालांकि बालोद छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत आता है, लेकिन उसके दक्षिणी हिस्से में क्या है, लाल रेतीली मिट्टी का विस्तार है। यह राज्य की दूसरी सबसे बड़ी मिट्टी है, देखा था सबसे बड़ी मिट्टी क्या थी आपकी, लाल पीली मिट्टी, और लाल पीली मिट्टी के बाद दूसरी सबसे बड़ी मिट्टी क्या थी, तो लाल रेतीली मिट्टी, जो कि सर्वाधिक भाग में पाई जा रही थी। लगभग 20-25% एरिया में क्या हो रहा था, छत्तीसगढ़ के 20-25% एरिया में लाल जो रेतीली मिट्टी है वो पाई जा रही थी। तो ये कथन भी क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है। चौथा क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन ह्यूमस की अधिकता के कारण मिट्टी कम उपजाऊ है। फिर यहां पर आपको क्या कर रहा है, ऑप्शन में फंसा रहा है, क्या बोल रहा है, अधिकता, है ना, अधिकता, अधिकता, नाइट्रोजन और ह्यूमस की अधिकता के कारण नहीं, मिट्टी कम उपजाऊ तो है लेकिन नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी के कारण, ठीक है, मिट्टी कम उपजाऊ है किसके कारण, नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी के कारण, ना कि नाइट्रोजन और ह्यूमस की अधिकता के कारण। ये जो मिट्टी है लाल रेतीली मिट्टी, इसमें नाइट्रोजन एवं ह्यूमस
कम मात्रा में पाए जाते हैं। चौथा क्या बोल रहा है, राज्य के 30-35% भाग पर इस मिट्टी का विस्तार है। ठीक है, इसको प्रतिशत कर लेंगे आप, 30-35% भाग पर इस मिट्टी का विस्तार है, तो यह भी गलत है। 20-25% भाग पर क्या है, इस मिट्टी का विस्तार है। तो आपका चौथा और पांचवा ऑप्शन क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। 1, 2 और 3 जो कथन है वो क्या है, सही है। अपने को क्या देखना है, सत्य कथन देखना है, तो किसमें 1, 2, 3 बी में है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। लाल दोमट मिट्टी के संबंध में कथनों पर विचार करें। किसके संबंध में, लाल दोमट मिट्टी के संबंध में आपको कथनों पर विचार करना है। पहला क्या बोल रहा है, इसे लाल बुलई मिट्टी भी कहा जाता है। दूसरा बोल रहा है, इस मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। तीसरा बोल रहा है, रेत की अपेक्षा क्ले की मात्रा अधिक होती है। चौथा बोल रहा है, जल के अभाव में यह मिट्टी पत्थर के समान कठोर हो जाती है। और पांचवा बोल रहा है, इस मिट्टी में बड़े आकार के छिद्र पाए जाते हैं। कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन अपने को छांटने हैं। क्या छांटने हैं, असत्य कथन अपने को छांटने हैं। अब क्या क्या कथन असत्य है देखते हैं। इसे लाल बुलई मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है, इसे लाल बुलई मिट्टी कहा जा रहा है, यह गलत है। लाल बुलई मिट्टी लाल रेतीली का नाम है, ठीक है। लाल रेतीली मिट्टी को लाल बुलई मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। दूसरा, इस मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। बिल्कुल, इस मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है वो क्या होती है, एकदम कम होती है। तीसरा क्या बोल रहा है, रेत की अपेक्षा क्ले की मात्रा अधिक होती है। जो लाल दोमट मिट्टी है इसमें लाल रेतीली मिट्टी की अपेक्षा रेत की मात्रा क्या होती है, कम होती है, और क्ले मतलब मिट्टी की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। जल के अभाव में यह मिट्टी पत्थर के समान कठोर हो जाती है। बिल्कुल, जल धारण क्षमता कम है मतलब जल का क्या होगा, अभाव होगा, नमी ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, तो जल के अभाव में मिट्टी क्या हो जा रही है, कठोर हो जा रही है। इस मिट्टी में बड़े आकार के छिद्र पाए जाते हैं। अब देखो कनेक्ट करते हैं पॉइंट्स को, क्या बोल रहे हैं, इस मिट्टी की जल धारण क्षमता कम है, रेत की अपेक्षा क्ले की मात्रा अधिक होती है। रेत की अपेक्षा क्ले की मात्रा अधिक है ना, तो मिट्टी के अंतर्गत रेत नहीं है, रेत कम है। रेत कम है तो रेत के अलावा जो मिट्टी के अंतर्गत जो अन्य क्या है, कंकड़ है, जो पत्थर है, वो क्या है, अत्यधिक बड़े बड़े पाए जाते हैं। जो लाल दोमट मिट्टी होती है इसके अंतर्गत मिट्टी में जो पत्थर है वो क्या होते हैं, अधिक बड़े बड़े पाए जाते हैं। तो इन मिट्टियों के अधिक बड़े बड़े पत्थरों को धारण करने के कारण इस मिट्टी के जो आकार है वो क्या हो जाते हैं, छिद्र के आकार क्या हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, है ना। लाल दोमट मिट्टी में चूंकि कंकड़ या जो पत्थर है वो अत्यधिक बड़े मात्रा में है, ठीक है, या अत्यधिक बड़े आकार के हैं, इसलिए इस मिट्टी के जो छिद्र का आकार है वो क्या रहता है, अत्यधिक बड़ा रहता है। साथ ही इस मिट्टी की क्या है, जल धारण क्षमता कम है, और जल धारण क्षमता कम है तो नमी भी कम होगी, और नमी कम है तो ये जो मिट्टी है ये जल के अभाव में क्या होती है, ये पत्थरों में क्या होती है, चिपक जाती है, और अत्यधिक मतलब पत्थर के समान ही क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है। मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, ये जो कथन है वो भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सिर्फ जो पहला कथन है वो क्या है, आपका गलत है। अपने को क्या छांटना है, असत्य कथन छांटना है, और सिर्फ एक क्या है, अपना गलत है। तो आप कहां पर देख रहे हैं, एक तो सी में देख रहे हैं, केवल एक जो पहला जो कथन है वो क्या है, सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। क्लियर, चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला, लैटेराइट मिट्टी के संबंध में असत्य कथन पहचानिए। क्या बोल रहे हैं, लैटेराइट मिट्टी के संबंध में असत्य कथन पहचानिए। पहला क्या बोल रहे हैं, लौह की अधिकता के कारण यह मिट्टी कठोर होती है। किसकी अधिकता के कारण, तो लौह की अधिकता के कारण यह मिट्टी कठोर होती है। दूसरा क्या बोल रहे हैं, इस मिट्टी का उपयोग भवन एवं ईंट निर्माण में होता है। तीसरा क्या बोल रहा है, यह मिट्टी जगदलपुर के उच्चावच क्षेत्रों में भी पाया जाता है। और चौथा बोल रहा है, इस मिट्टी का निर्माण लेटराइजेशन की प्रक्रिया से नहीं होता। क्या बोल रहा है, इस मिट्टी का निर्माण लेटराइजेशन की प्रक्रिया से नहीं होता। और क्या पूछ रहा है अपने को, असत्य कथन जानना है, है ना, क्या जानने हैं, असत्य कथन जानने हैं। समझ में आ गया, कौन सा कथन, असत्य कथन जानना है। पहला क्या बोल रहा है, लौह की अधिकता के कारण यह मिट्टी कठोर होती है, सही है, लौह की अधिकता के कारण ये मिट्टी क्या होती है, कठोर होती है। दूसरा क्या बोल रहा है, इस मिट्टी का उपयोग भवन एवं ईंट निर्माण में होता है, ठीक है, कठोर होने के कारण इस मिट्टी को आप लोग किस प्रकार यूज करते हैं, तो भवन एवं ईंट निर्माण में इसका उपयोग करते हैं।
ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा है, यह मिट्टी जगदलपुर के उच्चावत क्षेत्रों में भी पाया जाता है। तो अभी जस्ट जब मैंने मिट्टी आपको बता रहा था, ठीक है, क्या यहाँ पर जब मैप में छत्तीसगढ़ की सभी मिट्टियों के बारे में आपको बताया था, तो बताया था कि पाट प्रदेश के अलावा जो जगदलपुर का हाईलैंड है, जगदलपुर का जो उच्चावत क्षेत्र है, वहां पर भी क्या लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो यह कथन भी क्या है, बिल्कुल सही है। और चौथा क्या बोल रहा है, इस मिट्टी का निर्माण लैटेराइजेशन की प्रक्रिया से नहीं होता, ये गलत है। इस मिट्टी का निर्माण लैटेराइजेशन की प्रक्रिया से निक्षालन या लीचिंग प्रोसेस के द्वारा होता है। क्लियर? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी। डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक, देखते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है डोरसा मिट्टी के संबंध में है, है ना। डोरसा मिट्टी के संबंध में अपन जो है ये कथन को देखते हैं अपना। ठीक, डोरसा मिट्टी, डोरसा जो मिट्टी है इसके संबंध में क्या बोल रहा है, पहला इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक है, दूसरा बोल रहा है इस मिट्टी का निर्माण कन्हार और मटासी के मिश्रण से हुआ है, तीसरा पॉइंट बोल रहा है यह मिट्टी दो श्रेणी में पाई जाती है, और चौथा बोल रहा है प्रथम श्रेणी में कन्हार तथा दूसरी श्रेणी में मटासी मिट्टी की मात्रा अधिक होती है। अब अपने को छांटना क्या है, सत्य कथन छांटना है। ठीक है, क्या छांटना है, सत्य कथन छांटना है। हमने देखा था कि इस मिट्टी का जो पीएच मान है वो क्या है, 7 से अधिक है, है ना, लगभग 7.6 के आसपास है। किसकी पीएच वैल्यू, डोरसा मिट्टी की पीएच वैल्यू। दूसरा जो कथन है, इस मिट्टी का निर्माण कन्हार और मटासी के मिश्रण से हुआ है, यह कथन भी बिल्कुल सही है। हमने पढ़ा है कन्हार क्या, काली मिट्टी, और मटासी क्या, लाल पीली मिट्टी। इसके मिश्रण से कौन सी मिट्टी बनी है आपकी, तो डोरसा मिट्टी बनी है। तीसरा क्या बोल रहा है, यह मिट्टी दो श्रेणी में पाई जाती है, कितने श्रेणी में पाई जा रही है, तो दो श्रेणी में पाई जा रही है, यह मिट्टी दो श्रेणी में पाई जा रही है। क्लियर? और चौथा क्या बोल रहा है, प्रथम श्रेणी में कन्हार तथा दूसरे श्रेणी में मटासी की मात्रा अधिक होती है। तो आप ध्यान रखना कि बिल्कुल जो डोरसा मिट्टी है यह दो श्रेणियों में पाई जा रही है। अब दो मिट्टियों के मिश्रण से बन रहा है ना, दो मिट्टियों के मिश्रण से बन रहा है, मतलब आप क्या समझ पा रहे हैं कि मान लो एक पूरे लगभग, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, कि 10 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में क्या किया गया है, दो मिट्टियों को आपस में मिलाया गया है। तो इस 10 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में आप पाएंगे कि किसी एक क्षेत्र के अंतर्गत जो मिश्रित मिट्टियां हैं उनमें से किसी एक की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, और एक की मात्रा क्या होगी, जबकि किसी दूसरे क्षेत्र के अंतर्गत उन मिश्रित मिट्टियों में से किसी एक मिट्टी की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी और ज्यादा होगी। एकदम हम क्या नहीं कर सकते, एग्जैक्ट किसी भी चीज को मिश्रित नहीं कर सकते, है ना। अब लैब में तो इन चीज को मिलाया नहीं गया है कि दो बूंद इसको डाल दो बूंद इसको डाल दो, बाकी एकदम एग्जैक्ट, है ना, ऐसा नहीं है। ये क्या है, प्रकृति है, यहां पर एकदम सामंजस्य नहीं है। ठीक है, तो ये कथन भी क्या हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है कि प्रथम श्रेणी के अंतर्गत कन्हार तथा दूसरी श्रेणी में मटासी मिट्टी की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, कि अगर दो श्रेणियों में क्या किया गया है, डोरसा मिट्टी को बांटा गया है, तो उसके अंतर्गत जो प्रथम श्रेणी है उसमें कन्हार मिट्टी की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, और जो दूसरी वाली श्रेणी है उसके अंतर्गत मटासी मिट्टी की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। मतलब अपने सभी कथन क्या है, सत्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। 1, 2, 3 और 4 सभी कथन क्या है, सत्य है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला, बस्तर क्षेत्र में पाए जाने वाली मिट्टी को उच्च से निम्न क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, उच्च से निम्न क्रम में व्यवस्थित करना है आपको, मतलब ये ऊपर का मिट्टी, उसके बाद की मिट्टी, फिर उसके बाद की मिट्टी, फिर उसके बाद की मिट्टी। ठीक है, तो कौन सा जो क्रम है वो व्यवस्थित है, टिकरा छावर गाछ छावर बहारा, मरहान टिकरा गाभर माल, मरहान टिकरा माल गाभर, और टिकरा मरहान छावर और बहारा। लगाइए अपना आंसर आप, समझ में आ गया, बना लिए, नहीं बना होगा तो देखते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं चलो इसी एक बारे में, फिर आगे अपन क्या करेंगे इसको आंसर लगाएंगे, है ना। सबसे पहले अपना एक मैप बना लेते हैं। तो एक देखना है अपने को ये उत्तरी सरगुजा क्षेत्र में, और दूसरा देखना है अपने को दक्षिणी बस्तर क्षेत्र में, है ना। तो ये जो हमारा उत्तरी सरगुजा क्षेत्र है, उत्तरी सरगुजा क्षेत्र, है ना, इन उत्तरी सरगुजा क्षेत्र में लेवल के आधार पर सॉइल, लेवल के आधार पर मिट्टी,
ठीक है, क्या जानना है अपने को, लेवल के आधार पर मिट्टी। तो जो उत्तरी सरगुजा क्षेत्र है आपका, वहां पर आप पाएंगे कि जो मिट्टी है उस मिट्टी को लेवल के आधार पर, मतलब क्रम के आधार पर, ठीक है, किसके आधार पर, क्रम के आधार पर चार भागों में बांटा गया है। एक सबसे ऊपरी परत, फिर उसके नीचे की परत, फिर उसके निचले की परत, फिर उसके निचले की परत, ठीक है। तो जो सबसे ऊपरी परत है वो कहलाता है यहां पर टिकरा, ठीक है, क्या कहलाता है, टिकरा। उसके नीचे की परत कहलाती है छावर, फिर उसके नीचे की परत कहलाती है गाद छावर। टिकरा, छावर, गाद छावर और जो सबसे निचली परत है वो कहलाती है बहारा, ठीक है, क्या कहलाता है, टिकरा, छावर, गाद छावर और बहारा। ये किसका है, उत्तरी सरगुजा क्षेत्र के अंतर्गत। टिकरा सबसे ऊपरी क्रम की मिट्टी, फिर उसके बाद छावर, फिर उसके बाद गाद छावर, फिर बहारा। अगला दक्षिणी बस्तर क्षेत्र में, दक्षिणी बस्तर क्षेत्र, इस दक्षिणी बस्तर क्षेत्र के अंतर्गत जो सबसे ऊपरी मिट्टी है वो कहलाती है मरहान, दूसरे क्रम की मिट्टी कहलाती है टिकरा, ठीक है, तीसरा कहलाता है माल और चौथा कहलाता है क्या, गाभर। देखिए इसको, समझ में आ गया, जो उत्तरी सरगुजा क्षेत्र है आपका, इस उत्तरी सरगुजा क्षेत्र के अंतर्गत लेवल के आधार पर जो मिट्टी है, मतलब क्रम के आधार पर जो मिट्टी है, उसको उत्तर से दक्षिण की ओर अगर आप जमाएंगे तो टिकरा क्या होगा सरगुजा क्षेत्र में सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे छावर, फिर उसके नीचे गाद छावर, फिर उसके नीचे क्या आपका बहारा। दक्षिणी बस्तर क्षेत्र के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर में क्या, मरहान, मरहान के बाद क्या, टिकरा, फिर माल और फिर गाभर। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, ये दोनों को आप क्रम ध्यान रखना, दो क्वेश्चन है इसमें आपके लिए। पहला क्या बोल रहा है, बस्तर क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी को उच्च से निम्न क्रम में, मतलब ये जो ऊपर है टॉप से इसके नीचे, फिर इसके नीचे और फिर इसके नीचे, ऐसा देखना अपने को, है ना। तो बस्तर क्षेत्र में सबसे पहला आपने क्या देखा था, मरहान जो था वो सबसे ऊपर पाया जा रहा था, मतलब ए और डी को क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं यहां पर, है ना। अब अपने को क्या पता था, मरहान, मरहान के बाद क्या आ रहा है, टिकरा, तो दोनों में मरहान के बाद टिकरा है, और टिकरा के बाद क्या आ रहा था आपका, माल, और माल के बाद फिर क्या आ रहा था, गाभर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी, है ना, आंसर क्या हो जाएगा, सी, मरहान, टिकरा, माल, गाभर, उच्च से निम्न क्रम में। अगर निम्न से उच्च क्रम बोल देता तो गाभर, माल, टिकरा और मरहान, ऐसा होता है ना। उच्च से निम्न क्रम बोला है तो आप क्या लगाएंगे, मरहान, टिकरा, माल और गाभर। क्लियर है यहां पर, ठीक। चलो एक क्वेश्चन और रखा हूं इसमें मैं आपके लिए, देखना आप, हाँ, ये देखिए, सरगुजा क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी को निम्न से उच्च क्रम में व्यवस्थित करना है आपको, ठीक है, कैसे व्यवस्थित करना है, तो सबसे नीचे, फिर उसके ऊपर कौन है, फिर उसके ऊपर कौन है और फिर उसके ऊपर कौन है, ठीक है, फाइनली सबसे ऊपर कौन है, कौन है सबसे ऊपर बताइए, सबसे ऊपर कौन है, बात मिट्टी की नहीं है, बात आपके व्यक्तिगत जीवन की भी हो सकती है, आपके व्यक्तिगत जीवन में भी आप लोग किसको सबसे ऊपर रखते हैं, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों को, देवी देवताओं को, ये भी क्या करता है, मैटर करता है कि आप सबसे ऊपर किसको रखते हैं, फिर उसके नीचे किसको रखते हैं, फिर उसके नीचे किसको रखते हैं, ठीक है। तो प्रायोरिटी क्या रखनी है आपको, रखनी है कि पहली प्रायोरिटी में कौन है, फिर उसके बाद कौन है, ठीक है, माता पिता है, फिर भाई बंधु है, तो दोस्त यार है, तो क्या क्या है, इसको भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। वही प्रायोरिटी क्या करनी है आपको, यहां पर भी जाननी है कि नीचे से ऊपर की ओर कौन है और ऊपर से नीचे की ओर कौन कौन सी मिट्टी है। तो सरगुजा क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी को अपने को क्या करना है, निम्न से उच्च क्रम में जमाना है। तो सरगुजा क्षेत्र में कौन कौन सी मिट्टी पाई जा रही थी, टिकरा, छावर, गाद छावर, बहारा, है ना। अपने को निम्न से शुरू करना है, मतलब कहां से शुरू करना है, बहारा से शुरू करना है। बहारा कहां पर है, सी और डी में है, तो ए और बी जो है वो क्या हो गया, ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो गया। अब क्या देखे थे अपन, टिकरा, छावर, गाद छावर, बहारा। तो टिकरा के बाद क्या आना चाहिए, गाद छावर आना चाहिए, टिकरा, छावर, गाद छावर और बहारा, है ना, टिकरा, छावर, गाद छावर और बहारा। अपने को क्या करना है, इसको जमाना है। तो पहले तो आप क्या करें, डायरेक्ट इसको ऐसे आंसर नहीं बनाएंगे आप, है ना, कि चलो देख लेता हूं, लिख के लगा लेता हूं। आप लिखेंगे, चलो बताएं मेरे साथ आप,
कि सबसे पहले जो सरगुजा क्षेत्र है ना, सरगुजा क्षेत्र के अंतर्गत जो सबसे ऊपरी मिट्टी क्या कहला रही थी, टीकरा कहला रही थी। टीकरा के नीचे क्या आ रहा था, तो छावर आ रहा था। छावर के नीचे क्या आ रहा था, तो गाद छावर आ रहा था। और गाद छावर के नीचे क्या आ रहा था आपका, बाहरा आ रहा था, है ना। टिकरा छावर गाद छावर बाहरा, ये हो गया। अब हमको कहां जाना है, ऐसे जाना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, बाहरा। बाहरा के बाद क्या हो जाएगा, गाद छावर। गाद छावर के बाद क्या हो जाएगा, छावर। और छावर के बाद क्या हो जाएगा, टिकरा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। ठीक है, कभी भी ऐसे जमाने वाले क्वेश्चनों को, ठीक है, जिसमें आपको व्यवस्थित करने हो कि आपको उत्तर से दक्षिण के क्रम में जमाइए, या दक्षिण से उत्तर के क्रम में जमाइए, पूर्व से पश्चिम के क्रम में जमाइए, पश्चिम से पूर्व के क्रम में जमाइए, ठीक है। आगे आपको ये पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व जमाने वाले भी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो कभी भी आप डायरेक्ट ऐसे ऑप्शन देकर क्या नहीं करेंगे, टिक नहीं लगाएंगे। आप हमेशा कितने भी आप कॉन्फिडेंट हो, तब भी आपको क्या करना है, एक बार वो क्रम को क्या करना है, आपको लिखना ही लिखना है ना। क्यों, क्योंकि आपका सिलेक्शन मात्र कितने नंबर से रुकेगा, तो 0.1 से लेकर 1 नंबर तक, मतलब 0.1 नंबर से 1 नंबर के बीच में ही आपका सिलेक्शन क्या होगा, रुकेगा। तो अपने को कहीं पर भी कोई भी रिस्क नहीं लेना है। अपने को क्या करना है, सभी क्वेश्चंस पे अगर अपन कंफर्म है, श्योर है 100%, तो 100 के बाद और 1% उसको श्योर करना है, तब अपने को क्या करना है, टिक लगाना है ना। जो क्वेश्चन हम जान रहे हैं, जिनका उत्तर हमको पता है, ऐसे उत्तरों को हम गलत नहीं कर सकते। ऐसे उत्तरों को गलत करने से पाप लगता है। क्या पाप लगता है, तो नौकरी नहीं लगेगा, जीवन भर बेरोजगार रहोगे, ताना सुनना पड़ेगा। तो ऐसे पाप हमको अपने ऊपर नहीं चढ़वाना है, ठीक है। अपने को ऐसे क्वेश्चंस के आंसर क्या करने हैं, बिल्कुल सही देने हैं। क्यों सही देने हैं, क्योंकि इसको हम क्या किए हैं, बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। और अच्छे से पढ़ने के बाद भी अगर हम ऐसे क्वेश्चनों के आंसर नहीं दे पाएंगे, तब क्या लगेगा, हमको पाप लगेगा। और अपने को पाप अपने ऊपर नहीं चढ़वाना है। समझ आ गया आपको, क्लियर। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। परिया शब्द का तात्पर्य है, इसको तो गांव वाले लोग आराम से बना लेंगे, है ना। रोज शाम को परियम बैठे ही रहते होंगे आप लोग। क्या बोला जा रहा है, खेतों के बीच का रास्ता, भूमि जिस पर खेती न की जा रही हो, रबी फसल, इनमें से कोई नहीं। तो इसको तो आप आराम से बना लेंगे, भूमि जिस पर खेती न की जा रही हो। गांव वाले लड़का मन का करते ही में क्रिकेट खेलते, है ना, जानता हूँ, नहीं जानो, परियत में क्रिकेट खेलते। ककरो गांव में जाबे, गांव में कहा हो जाते, कोनो कोनो खेत ला छोड़ दे रही थे, वो खेत में का करते, लड़का बेचारा मन मेरा ग्राउंड तो रहा नहीं शहर बरोबर, तो वही बेचारा मन पीच वीच बना का कर लेते, क्रिकेट विकेट खेल लेते, है ना। तो वही का के थे, परिया के थे, समझ गए, ठीक। तो परिया शब्द का तात्पर्य क्या है, भूमि जिस पर खेती ना की जा रही हो, वो क्या कहलाता है, परिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, लेटराइजेशन शब्द किससे संबंधित है। तो लेटराइजेशन शब्द हम अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं, किससे संबंधित है, मिट्टी से संबंधित है। लेटराइजेशन की प्रक्रिया से क्या हो रहा था, आपका जो लेटराइट मिट्टी है उसका निर्माण हो रहा था, या निक्षारण या नीचिंग प्रोसेस के द्वारा लेटराइट मिट्टी का निर्माण हो रहा था। क्लियर है यहां तक, ठीक। आगे जो हमारा वीडियो होगा वो छत्तीसगढ़ के जलवायु, मौसम और वर्षा से संबंधित टॉपिक्स पर होगा। आज का वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन पे बताइए। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है, हमारे द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया है आपके पीएससी परीक्षा के लिए, वो आपको पसंद आ रहा है, तो हमारा जो वीडियो है उसको आप लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट करके आप हमें बताएं कि अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो हम क्या क्या अच्छा कर रहे हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कीजिए। और इसके अलावा कमेंट कर आप हमारा उत्साहवर्धन करें, जिससे हम आपके लिए ऐसे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और साथ ही क्वेश्चंस के साथ में जो भी आपके टॉपिक्स चल रहे हैं उसको हम अच्छे से कवर करा पाएं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।